इस वीडियो में हम फूड साइंस का चैप्टर सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम वीट का स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं। सीरियल हम अनाज को बोलते हैं। हम इसके लिए अनाज के बारे में पढ़ेंगे, अनाज के प्रोडक्ट्स मतलब अनाज से क्या क्या बन सकता है। तो इंडिया में ज़्यादातर जो कॉमन है वो हमारा वीट, राइस, मेज़, ओट्स, ज्वार, रागी ये सब और बाजरा, ये सब हमारे कॉमन सीरियल्स हैं। अब जो इसका मेन पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ राइस एंड वीट। अब जितने भी सीरियल्स हैं हमारे, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एकदम सिंपल होता है और ज़्यादातर सबका सेम ही होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही मैंने स्ट्रक्चर लिया है, वो है हमारा वीट का स्ट्रक्चर। वरना ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है वो सेम होते हैं, बट छोटा बड़ा उसमें हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको जो बुक्स में मिलेगा वो आपको वीट का ही स्ट्रक्चर मिलेगा। अब आप इसके अंदर देख लो, आपको तीन चीज़ें बिल्कुल इसके अंदर ध्यान रखनी है, ब्रेन, जर्म एंड एंडोस्पर्म। जो हमारा वीट है वो तीन तीन मेन पार्ट है उसके अंदर, ब्रेन, जर्म एंड एंडोस्पर्म, जो कि आपको याद रखना है। इसकी हेल्प से ही आप आगे इसका स्ट्रक्चर समझ पाओगे। अब आप इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें तीन मेन पार्ट होते हैं और उनके पास ही छोटे छोटे उनके पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला ब्रेन बताया, ब्रेन हमारा एक पार्ट है जिसके पास न्यूक्लियर टिश्यूज़ हैं, सीड कोट है, ट्यूब सेल्स हैं, क्रॉस सेल्स हैं और भी बहुत कुछ है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो मेरी जो तीसरी लेयर आएगी वीट की, वो है जर्म, जिसको हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो बच्चे को भी बोलते हैं, वो सब मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड आता है वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के पास भी कई चीज़ें हैं जो कि हम आगे सही से समझेंगे, बट आपको इसके अंदर तीन चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है, ब्रेन, जर्म एंड एंडोस्पर्म। इसके बेसिस पर ही हम इसको जो न्यूट्रिएंट है वो बांट पाएंगे कि कौन से पार्ट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है और हमें कौन सा पार्ट ज़्यादा खाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने अपना पहला पार्ट जो इसका बताया, जो हमारा वीट स्ट्रक्चर का था, वो था ब्रेन। अब ब्रेन जो है, हम उस ब्रेन क्या है, हमारी आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ वीट क्या है, हमारी ब्रेन है। अब ब्रेन के पास कितनी कितनी सारी लेयर हैं जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे, एपिस्पर्म, टेस्टा, एंडोकार्प, एपिकार्प और एपिडर्मिस। अब जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पास सबसे ज़्यादा पार्ट है उसका वीट का, और इसमें अच्छे खासे न्यूट्रिएंट भी हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ब्रेन इज रिच इन फाइबर एंड मिनरल्स। इसके पास अच्छा खासा फाइबर है और मिनरल है, और इसके पास वाइटामिन B1 एंड राइबोफ्लेविन है। बट यहाँ पे आप एक बात देखो, ड्यूरिंग माइलिंग द ब्रेन इज डिस्कार्डेड, मतलब जब मैदा बनता है और उसके ऊपर की लेयर हटा दी जाती है तो क्या होता है, जो ब्रेन है, जो इसकी मेन लेयर है ऊपर की, वो हटाई जाएगी। उसमें क्या होगा, विटामिन B1 जाएगा, फाइबर जाएगा, मिनरल जाएगा एंड राइबोफ्लेविन जाएगा। ठीक है, जब जब मैदे का जो प्रोसेस चल रहा होता है तो हमारे क्या होता है, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो हटा दी जाती है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। अब ये एक ब्रेन का ही पार्ट है, एल्यूरवन लेयर। ठीक है, ये हमारे जस्ट अंडर द ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन है, फॉस्फोरस है, थायमीन है एंड इसके पास थोड़ा बहुत अमाउंट में फैट भी है। यहाँ पे इसका मतलब है, कैर्नल का मतलब है गुठली, से गुठली कह सकते हो आप। तो जो हमारे जो ये इसका जो मतलब ये वीट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब 8% जो पार्ट है वो हमारा एल्यूवन लेयर के पास है। ठीक है, इसके अंदर देखो कितने सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, फॉस्फोरस है, थायमीन है। ठीक है, लेकिन ये भी माइलिंग के द्वारा, मतलब जब मैदे की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो इसको भी निकाल दिया जाता है। तो आप देखो, ब्रेन भी निकाल दिया, एल्यूवन भी निकाल दिया, तो इसके पास बचा क्या, अभी हम बाद में देखेंगे। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट आता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म हमारा कौन सा है, देखो जो इसके अंदर छोटे छोटे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, सारे ये सेल्स जो नज़र आ रहे हैं ये हमारा एंडोस्पर्म का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा, इसके पास 84 to 85%, मतलब गुठली का हिस्सा जो 84 to 85% हिस्सा इसमें होता है।
अब इसके पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, इसके पास स्टार्च है, इसके पास प्रोटीन है एंड लिटिल अमाउंट ऑफ मिनरल है, और इसके अंदर फाइबर भी थोड़ा बहुत है, और इसके अंदर बिल्कुल माइनर अमाउंट में इसके पास फैट है, और एंडोस्पर्म के पास विटामिंस भी बहुत कम होते हैं। अब आप यहाँ देखो कि आपको जब मैदा दिया जा रहा है, मैदे में सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म पार्ट होता है, एंडोस्पर्म पार्ट आपको पीस कर दे दिया जाता है, जिसके अंदर ना ही कोई मिनरल है ना ही कोई विटामिन है, इसलिए आपको मैदा खाने के लिए मना करते हैं। आई होप कि इस स्ट्रक्चर से आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा कि हम मैदे में क्या खा रहे हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है जर्म। जर्म आप ये समझ लो कि सीरियल मतलब वीट का एक छोटा सा बच्चा है, और इसके पास 2 से 3% इसका पार्ट है, और इसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है एंड मिनरल्स हैं, और इसके पास यही अपने अंदर जो हमारे जो इसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर स्टोर करके रखता है, लेकिन माइलिन के द्वारा ये भी लॉस हो जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको एंडोस्पर्म मिल रहा है, जिसके अंदर ना ही फैट है, ना ही मिनरल्स है, ना ही वाइटमिन्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आपकी जो ब्रेन है वो भी निकाल दी जा रही है, और जर्म भी निकाल दिया जा रहा है, सिर्फ आपको एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आपका वीट का स्ट्रक्चर। अब बात आती है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सीरियल्स। आप लोगों को पता ही है सीरियल्स 1 ग्राम ऑफ सीरियल्स आपको 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपको 100 ग्राम्स की भी दे रखी है, जो कि अगर आप रोज़ 100 ग्राम सीरियल ले रहे हो तो वो आपको 340 किलो कैलोरीज देता है। अगर आप पूरा सीरियल ले रहे हो, उसके अंदर अच्छे खासा हस्क है, प्रोटीन है, वाइटामिन है, सब कुछ है, मतलब सारा उसका पार्ट है, तो आपको अच्छे खासे वाइटामिन एंड मिनरल्स भी मिल जाएंगे, वरना आपको एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो सीरियल होता है, सीरियल के पास लाइसिन कम होता है। लाइसिन एक असेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि हमारे सीरियल्स के पास कम है। अभी जो नीचे के पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको बताए दिए हैं, जो कि जब रिफाइंड हो रहा होता है तो उसमें जो है प्रोटीन, मिनरल्स और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप होल ग्रेन लेते हो तो उसमें आपको वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और सब कुछ मिलता है, इसके अंदर फॉस्फोरस, आयरन, थायमिन एंड फाइबर सब कुछ मिलता है। ज़्यादातर पेपर में पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन अनमाइल्ड एंड माइल्ड राइस या वीट भी आ जाता है, और सबका सेम ही है, आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इनको देख लो। इसमें देखो माइल्ड में बता रखा है कि जर्म एंड पेरिकार्प आर रिमूव्ड, जैसे कि मैंने बताया कि उसके अंदर जो लेयर्स हैं वो हटा देते हैं। अनमाइल्ड में पेरिकार्प होगा, जर्म्स भी होगा, और इसके अंदर जो माइल्ड है उसके अंदर जो हमारे वाइटामिन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा पढ़ लो, और जैसे मैंने आपको बताया आप उससे भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो। ये तो मैंने थोड़ा आपको एग्जांपल के लिए दे दिया।